वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास एच गो। आई एम सुजीत कुमार और आज फिर से लेकर के आ गए हैं बिहार बोर्ड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लासेज के लिए स्पेशलिस्ट। और पहला चैप्टर खत्म हो गया है केमिस्ट्री में और रासायनिक समीकरण में अभी किया था से। अब दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म लवण, इसे जो VVI ऑब्जेक्टिव है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं एक्सप्लेन करके। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, दिखाई दे रहा होगा NHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं। NHCO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट 10H2O हुआ यानी डेक हाइड्रेट हुआ इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेक हाइड्रेट। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और यह हो गया फॉर्मिक अम्ल से भी नाम से जानते हैं या फिर यदि IUPAC नाम यदि पूछा जाए तो मेथेनोइक अम्ल इसको कहते हैं, मेथेनोइक एसिड कहते हैं। तो जो धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं इसका जो सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। यह साधारण नमक का सूत्र है NaCl और यह जो है सो फॉर्मिक अम्ल है। यह लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जैसे ही काट देता है तो हमको जैसे तीखा जैसा महसूस होता है, दर्द देने लगता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण ही दर्द देने लगता है। तो ये लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा नेक्स्ट प्रश्न, विलयन का पीएच मान 7 है, तो यह कैसा विलयन है? सबसे पहले हम बता देते हैं जो पीएच स्केल होता है इसका नाम क्या है, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तकला होता है। पीएच स्केल आमतौर पर देखने को मिलता है 0 से 14 तकला, तो जो 7 होता है 7 × 14 हो गया, तो 7 से नीचे कम और 7 से ज्यादा, जो 7 से कम होंगे 7 से कम होंगे और जो 7 से अधिक होंगे, तो 7 से जो कम होता है वो अम्ल होता है और जितना कमता जाएगा ना उतना ही अम्ल की मात्रा बढ़ता चला जाता है और 7 से जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही क्षार की मात्रा जो है से बिल्कुल बिल्कुल घटता बढ़ता जाता है। इधर जैसे ही बढ़ेगा तो क्षार की मात्रा बढ़ते जाएगा और इधर जैसे ही कमेगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ते चला जाएगा, तो ध्यान से सीख लीजिएगा। और जैसे ही जिसका पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन हो जाएगा, जैसे 7 से कम में आपको HCl है, H2SO4 है, ये सब इसका पीएच मान 1 होता है, इसका पीएच मान 1 होता है। अब दूध हो गया तो दूध के पीएच मान 6.5 होता है, अम्ल वर्षा के 5.6 होता है, शराब के आपको 3 हो जाएगा या सिरका कभी कभी आ जाता, सिरका के आ जाएगा आपको 2.8 हो गया और शराब के 2.8 हो गया, कभी सिरका के 3 देना रहेगा और नींबू का पीएच मान 2.4 हो जाता है। मुंह का जो पीएच मान होता है 5.6 से लेकर के 6.5 तक रहता है, इसका पीएच मान हो जाता है मुंह का। और कभी जैसे ही हम मुंह धो लेते हैं ना तो इसका क्षारीयता मुंह का भी बढ़ जाता है, तो 7.5 तक इसका रेंज बढ़ जाता है मुंह धो लेने के बाद, क्योंकि जो टूथ ब्रश का जो पीएच होता है ना है वह 8 होता है, इसलिए जैसे ही मुंह धो लेते हैं तो हमारा जो अम्ल की अम्लीय जो मुंह रहता है वह क्षारीय हो जाता है और जिससे कीड़ा पनप नहीं पाता और दांत हमारा सड़ भी नहीं पाता है, इसलिए हमको मुंह धोना भी बहुत अनिवार्य होता है, क्षार से धोते हैं या नीम के दतवन का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी क्षार होता है जिससे हमारा दांत भी साफ हो जाता है और वहाँ अम्लीय मात्रा खत्म हो जाता है, तो इस तरह से होता है। और जो 7 उदासीन, जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड है तो इसका उदासीन है यानी इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है उसका भी 7 होता है। और जैसे ही हम 7 से ज्यादा जाते हैं, आपको रक्त का पीएच मान 7.4 है तो कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। आंसू का पीएच मान क्या है, 7.4 है तो भी क्षारीय हो जाता है, तो अधिक जैसे ही होगा तो क्षारीय हो जाता है और 7 जो रहेगा यह उदासीन रहता है। और पीएच स्केल का जो सबसे पहले जो खोज किए थे ना वो सोरेनसन किए थे और पीएच का क्या पूरा नाम होता है, पोटेंज हाइड्रोजन होता है, पोटेंज हाइड्रोजन, पोटेंज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
फोर्टीन हाइड्रोजन होता है। सोरेनसन ने सबसे पहले खोज किया था इसका पीएच का। तो विलयन का पीएच मान 7 है, तो कैसा होगा? अभी हमने बताया कि 7 अगर रहेगा तो बिल्कुल उदासीन होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए उदासीन। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। तो ये जो है CSO4 × 2H2, ये जिप्सम का सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो ये जिप्सम का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये जिप्सम का है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CSO4 × 2H2। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम व्यापारिक नाम से जानते हैं बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, जो जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो यह प्राप्त हो जाता है बिरंजक चून। और इसको जैसे ही कीटनाशक कहीं नली में कीट बढ़ गया, बहुत तरह कीड़ा मकोड़ा बढ़ गया, तो इसको छीट देने के बाद वह साफ हो जाता है नली, तो उसके भी प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन गैस का प्रयोग, क्लोरीन का हम क्लोरल करते हैं, पानी को फिल्टर करने के लिए प्रयोग किया करते हैं। और अमोनिया है NH3, अमोनिया गैस यह है। और अमोनिया का यदि सूत्र पूछता है तो NH3, अगर अमोनियम का सूत्र पूछता है तो NH4, और जो ये दिखाई दे रहा है NH2CO, यह यूरिया है। और जैसे ये मूत्र के द्वारा NH2CO बाहर आता है, और वह जैसे उससे अमोनिया, इससे टूट करके अमोनिया विघटित होता है, तो जो गंध आता है ना, इसी की वजह से इससे अमोनिया बाहर अलग हो जाता है टूट करके, इसी वजह से मूत्र गंध देता है, नहीं तो ऐसे गंध नहीं देता है। तो अब यहाँ पर आते हैं CSO4 के हॉल 2H2, तो यहाँ पर दो गो कैल्शियम सल्फेट है, एक जल है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, और यहाँ पर एक कैल्शियम सल्फेट है और आधा जल है, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। इसका मतलब एच में ऑप्शन होना चाहिए एफ एवं जी, तो ये सही हो जाएगा आपको। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर खड़िया रहे, चाहे चूना पत्थर रहे, चाहे संगमरमर रहे, सबका सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, काली चूना जिसको नाम से जाना जाता है, इसको जैसे ही जल में डाल देते हैं ना, तो इतना इससे उष्मा निकलता है, मतलब कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जैसे ही जल में डाल देते हैं तो बहुत उष्मा निकलता है। जब अपना अंगुरी उसमें रखिएगा ना, तो आपका अंगुरी भी जल सकता है, इसका सब मांस उस निकाल लेगा उसी में रख देगा। तो ये काली चूना होता है, और जो शुष्क बुझे हुए चूना बाद में बन जाता है, जैसे जल में जाता है CaOH के होल टू बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके नाम से जाना जाता है शुष्क बुझे हुए चूना। और यह क्षार होता है, एक प्रकार का यह क्षार होता है, और यह मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका सूत्र क्या है? इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, और H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्रबल अम्ल है, जिसका पीएच वन हमने पहले ही बताया था कि एक होता है। इसको बैट्रिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, यह अम्लों के राजा कहलाता है, अम्लों के राजा H2SO4 कहलाता है। और बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है जिस पानी का, यही H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।